हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैनेजमेंट एज द प्रोफेशन की प्रबंध जो है ना एक पेशा है कैसी पेशा है चेक करते हैं देखें पे देखो बेटा इट रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी एक्टिविटी है इकोनॉमिक इकोनॉमिक का मतलब धन उपार्जन करने के लिए विच इज़ कंडक्टेड बाई द पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज देखो हाईलाइट मैंने पहले भी किया इसको उसकी स्पेशल नॉलेज होना चाहिए उस व्यक्ति के पास जो काम कर रहा है ठीक है उसके लिए उसकी स्पेशल ज्ञान विशेष ठीक है ज्ञान की और स्किल क्या होती है कौशल विच इज़ यूज इम्पार्शली देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट फिर से आ गया इम्पार्शली मतलब उसको इमपार्शल पार्शल क्या होता है भेदभाव करने वाला इम्पार्शली क्या होता है जो सभी को क्या लेके ले चले बराबर लेके चले टू सर्व द सोसाइटी सेक्शन जितने भी हमारे पास से जो भी हमारे पास से अमीर है गरीब है मध्यम दर्जे का तो हर एक व्यक्ति की क्या करे बिल्कुल किसी प्रकार से कोई भी भेदभाव के बगैर क्या करे उसकी हेल्प करे ठीक है तो यहाँ से देखो हम दोबारा लेके चलते हैं इट रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक एक्टिविटी है वो आर्थिक क्रिया है विच इज कंडक्टेड बाय द पर्सन वो व्यक्ति हैविंग ए सम स्पेशल नॉलेज जिस व्यक्ति के पास क्या होती है उसकी कोई विशेष ज्ञान जरूरत हो स्किल विशेष कुशलता की विशेष कौशल की जरूरत हो विचीज इम्पार्शली इम्पार्शली मतलब किसी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो टू सर्व द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उन सबकी क्या करें वो सहायता करें ठीक है जी अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर टेस्टिंग द मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन कि जो मैनेजमेंट है ना वो प्रोफेशन कैसे है ये बात कैसे पता लगे हमारे को ठीक है अभी डिस्कस कर लेते हैं इस पॉइंट को वो कहते हैं लाइफ एनी अदर प्रोफेशन जैसे दूसरे प्रकार के जो पेशे होते हैं मैनेजमेंट हैज ए स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज कहते हैं मैनेजमेंट को भी करने के लिए भी देखो हर पेशे को करने के लिए हर प्रोफेशन को करने के लिए क्या चाहिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए टीचर है तो उसके पास क्या होना चाहिए विशेष ज्ञान होना चाहिए कि हाँ उसके अंदर टीचिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए पढ़ाने की योग्यताएं होनी चाहिए ठीक है उसने वो अपनी डिग्रीज वगैरह से भी कवर की हुई हो तो इसी तरह कहता है कि मैनेजमेंट के लिए भी क्या जरूरी है लाइक एनी अदर प्रोफेशन मैनेजमेंट हैज ए स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज जो प्रबंध है ना वो भी अपने आप में क्या है एक विशेष जो है एक ज्ञान की आवश्यकता हो इट कंप्राइज वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स इसमें क्या जुड़े हुए हैं क्या शामिल हैं अपने वेल well डिफाइंड ठीक है पहले से ही बहुत बढ़िया ढंग से परिभाषित किए गए अपने सिद्धांत अपनी कंसेप्ट अवधारणाएं अपनी थ्योरीज ठीक है एंड द टेक्निक्स और अपनी तकनीकें विच कैन रीपोट इन टू द प्रैक्टिस बाय द मैनेजर्स जो मैनेजर क्या करता है उनके माध्यम से ठीक है जो भी डिसीजन हमने बिजनेस के अंदर लेने हैं उन सबको फॉलो करता है सम ऑफ द इंस्टीट्यूट हैव बीन सेट आप स्पेशली फॉर द फॉर द इम्पॉर्टेंट द मैनेजमेंट एजुकेशन कहता कि अब क्या कई ऐसी इंस्टीट्यूशन जो है एस्टेब्लिश हो चुकी हैं स्पेसिफिकली किसके लिए विशेष तौर से मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए जैसे आई आई एम जिसे हम कहें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया आर एग्जाम्पल ऑफ सच इंस्टीट्यूशन यानी प्रबंध की विशेष योग्यता के लिए वो कहता है कि हमारे पास से क्या है आई आई एम को स्थापित कर दिया यहाँ पर तो आई आई एम का देखो विशेष क्या महत्व रहता कि किस लिए है ये विशेष तौर से मैनेजमेंट की एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए ठीक है जी उसके बाद बात आती है हमारे पास है नेक्स्ट यदि हम नेक्स्ट मूव करें तो द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट इज सपोर्टेड बाय ए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज ठीक है द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट की फील्ड है इज इज सपोर्टेड बाय ए वेल डिफाइंड बॉडी वेल डिफाइंड बॉडी का मतलब पहले से पूर्ण निर्धारित पूर्ण निश्चित ज्ञान का समूह दैट कैन बी टॉट एट लर्न जिसके लिए मुझे पहले से क्या करना पड़ता है सीखना पड़ता है समझना पड़ता है ठीक है इट हैज एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ डिसिप्लिन साथ साथ उस जगह रहकर ठीक है उसको प्राप्त करने के लिए मुझे एक अनुशासन के अंदर अपने सारे काम को करना होता है दूसरा पॉइंट आता है कि मेरे पास है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री हर व्यक्ति जो है ना इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता प्रोफेशन के अंदर अब देखो कैसे नहीं कर सकता वो चेक करते हैं एंट्री टू अ प्रोफेशन इज बेस्ड ऑन ए फॉर्मल एजुकेशन कहता कि आपने किसी भी पेशे के अंदर जाना है तो सबसे पहले आपके पास उसका क्या होना चाहिए औपचारिक शिक्षा उसकी प्राप्त कर लेना चाहिए ठीक है हम नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं जी एंड ट्रेनिंग और उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए बट एंट्री टू द मैनेजमेंट कहते देखो परंतु मैनेजमेंट के लिए कहता है जरूरी नहीं है स्ट्रिक्टेड कोई जरूरी नहीं है तो देर इज ए नो प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन बिकम है मैनेजर की मैनेजर बनने के लिए किसी प्रकार के हमारे पास कोई भी क्वालिफिकेशन होना जरूरी नहीं है अब उसने कहा जैसे एम बी एस है आर प्रेफर्ड फॉर ए मैनेजरल जॉब्स नॉर्मली हम क्या करते हैं जो एम लोग होते हैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वो हम प्रेफर करते हैं फॉर द मैनेजरल जॉब के लिए बट एम बी ए डिग्री इज नॉट ए कम्पल्सरी क्वालिफिकेशन ऑफ एंटर इन द प्रोफेशन कहते हैं एम बी ए डिग्री है उस पेशे के अंदर ठीक है अपने, अपने आप को लाने के लिए एक कंपल्सरी क्वालिफिकेशन होना जरूरी नहीं है पर्सन विद ए डिग्री इन्हें साइकोलॉजी इंजीनियरिंग एटसेट्रा कैन ऑल्सो ए टेक अपनेजेंट जॉब वो भी व्यक्ति क्या गर, करता है कि किसी ने मनोविज्ञान के अंदर किसी इंजीनियरिंग के अंदर भी मान लो किसी ने कोई क्वालिफिकेशन प्राप्त की है तो वो भी क्या कर सकता है इस जॉब के अंदर आ सकता है फिर उसने कहा कि मैनेजमेंट ऑफ द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन परंतु आज के समय की जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है ना रिक्वायर ए कॉम्पिटेंट एप्लीकेशन ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हो जाती है कि कॉम्पिटेंट एप्लीकेशन होनी चाहिए यानी जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनको ठीक ढंग से लागू हो उसका उसको ज्ञान हो उन तकनीकों का ज्ञान हो उन कौशल का ज्ञान हो दर इज ए नीड ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन इसलिए देखो उसने क्या कहा हाईलाइट किया है फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन द मैनेजमेंट तो कहता है कि एंट्री टू द एम बी ए पी जी डी एम ए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग कोर्सेज कोर्सेज यूजली थ्रू द एन एग्जामिनेशन कहते हैं इनके अंदर जो एडमिशन हमें चाहिए ना तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ता है ग्रुप डिस्कशन जी डी जिसे हम नॉर्मली कहते हैं इंटरव्यू होगा सो दैट वी कैन से दैट द मैनेजमेंट प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड इसलिए हम कहते हैं कि कह सकते हैं कि जिस तरह प्रोफेशन किसी को कोई भी प्रोफेशन करने के लिए मुझे उसकी एक विशेष ठीक है डिग्री को प्राप्त करना होता है ठीक है उसकी इसी तरह कहते हैं कि मैनेजमेंट के लिए भी क्या है मैनेजमेंट प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड क्यों यदि हमारे पास है वेल क्वालिफाइड ठीक है हमारे पास यदि कोई मैनेजर चाहिए तो उसके लिए बेटर क्या है कि उसको वो एम बी ए के थ्रू पास आउट हो पी जी डी एम का कोर्स करके वो निकला हुआ हो ठीक है क्योंकि वो कहाँ से निकलेगा उसके बाद उसको एग्जाम होगा फिर ग्रुप डिस्कशन में उसको निकलना होगा फिर इंटरव्यू देगा तो इतने सभी स्टेज से क्रॉस होने के बाद तभी हम उसे एक क्वालिफाई मानेंगे तो इसलिए उसने क्या कह दिया कि मैनेजमेंट जो प्रोफेशन है ना वो भी क्या है एक रिस्ट्रिक्टिड एंट्री है उसके बाद यदि मैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करता हूँ कि जो प्रोफेशन है ना प्रोफेशन एसोसिएशन प्रोफेशनल एसोसिएशन और ए बॉडी कहते हैं कि इनके अपने आप में एक एसोसिएशन होती है ठीक है जी जैसे मान लो लॉयर्स के लिए हो गई तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हम जिसे हम कह सकते हैं देखें ध्यान दे बेटा जैसे देखो लास्ट में पहले मैंने मैंशन किया बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द लॉयर्स मेडिकल के लिए क्या हुई मेडिकल ऑफ इंडिया फॉर द डॉक्टर्स ठीक है तो अब डिस्कस करते हैं फॉर द डिवेलपमेंट एंड द रेगुलेशन ऑफ एनी प्रोफेशन किसी भी मान लो मुझे प्रोफेशन की तरफ जाना द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी इज मस्ट तो सर छोटी बात क्या है कि उसको कोई रिप्रेजेंट करने वाली बॉडी होनी चाहिए कि हम किसके माध्यम से यहाँ पर आए ठीक तो है तो कहते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन परफॉर्म दॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या कहते फंक्शन वो करती हैं एक तो रेगुलेट द एंट्रीज कि हर व्यक्ति जो है उसके अंदर एंट्री नहीं ले सकता उसके बाद उसको एक सर्टिफिकेट फॉर प्रैक्टिस दिया जाता है फिर क्रिएट ए कोड ऑफ कंडक्ट उसके लिए क्या होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट निश्चित किए जाते हैं एंड गाइडिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोफेशन उसको प्रोफेशन जो करने जा रहा है उसके लिए उसको गाइड किया जाता है ठीक है जैसे नीचे फिर वही रिपीट हो रहा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द लॉयर्स ठीक है जो एक एसोसिएशन है इस तरह मेडिकल जो काउंसिल है वो किसके लिए है डॉक्टर्स को ठीक है जो डिग्री वो प्रोवाइड करती है इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने पेज की तरफ जी अब देखें जैसे उसने कहा कि सर्टेन एसोसिएशन ऑफ द मैनेजर्स हैव है डिफरेंट कंट्रीज अलग अलग मैनेजर्स को अपॉइंट करने के लिए अलग के अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग एसोसिएशन हो सकती हैं प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड जिनके अपने स्टैंडर्ड्स होंगे अपने अपनी एजुकेशन होगी और अपने एक ट्रेनिंग का एक अगला अलग माध्यम होगा फॉर देयर मेंबर्स जो उसके मेंबर्स बनना चाहते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करना जा रहे हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या करना होता है एवरी प्रोफेशन मस्ट हैव ए कोड ऑफ कंडक्ट हर एक अपना क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट होता है विथ करेड नॉर्म्स जिसके अंदर क्या होते हैं पहले से पूर्व निश्चित कुछ नियम होंगे प्रोफेशनल एथिक्स जिनकी अपनी एक नीतियाँ होंगी ऑफ इट्स मेम्बर्स ठीक है यानी उनको उनको फॉलो करना पड़ता है एक बिजनेस की एथिक्स जिसे हम कह सकते हैं बट देर इज ए नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड परंतु क्या होते हैं ये यूनिवर्सली हर जगह जो है ना वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर दी प्रैक्टिसिंग दी मैनजर्फ ठीक है उसके बाद द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑलरेडी रिकोगनाइज प्रोफेशन लाइक जैसे लॉ है मेडिकल के लिए हैं चार्ट अकाउंटेंट्स के लिए हैं प्रस्क्राइब्ड हाँ कहते हैं वो सब प्रेस्क्राइबड है पहले से ही के हैं को एक विशेष स्थान दे चुके हैं ठीक है बट नो सच ओड कोड ऑफ कंडक्ट लेट डाउन इन द कंसर्न विद द मैनेजमेंट परंतु मैनेजमेंट के लिए इस प्रकार का किसी प्रकार से कोई भी कंसर्न नहीं है ओके उसके बाद हम अपने जो पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट के ऊपर हम मूव करते हैं अब देखें फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या आता है सर्विस मोटिव होना चाहिए देखो बेटा जी सबसे बड़ी बात कि जब हम प्रोफेशन को चूज करते हैं ना तो उसके लिए क्या कंडीशन आ जाती हैं बेसिक मोटिव सबसे आधारभूत जो मोटिव है ना उसका इज टू प्रोवाइड ए डेडिकेटेड सर्विसेज टू द क्लाइंट जो तुम्हारे क्लाइंट हैं उनके प्रति पूर्ण निष्ठा जो है आपको शो करनी है टू सेफ गार्ड दे और जिससे कि उनके हितों की सुरक्षा हो देखो सर बड़ी बात उसने यहाँ पर कह दी कि हमने क्या करना है प्रोवाइडेड डेडिकेटेड सर्विसेज किसको टू द क्लाइंट किसके लिए सेफ गार्ड दे और जिससे उनकी जो हित हैं उनकी सुरक्षा हो ठीक है जी उसका जो तो पॉइंट आता है हमारे पास से वो क्या आता है कि मैनेजर आर अवेयर ऑफ देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहते हैं है, मैनेजर्स को भी क्या रहना चाहिए अवेयर्स रहना चाहिए किसके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ तो टूवर्ड द वेरियस ग्रुप्स जिसमें अलग अलग समूह ऑफ द सोसाइटी शामिल होंगे जैसे आप इसमें क्या होंगे देखो मैनेजर किसके लिए अवेयर है खासतौर से कस्टमर्स धन्यवाद बेटा कस्टमर्स के लिए कि उनके हितों की सुरक्षा हो वर्कर्स के हितों की सुरक्षा हो सप्लायर्स के हितों की सुरक्षा हो गवर्नमेंट तो दे आर ए गाइडेड बाय द दर्विसेज मोटिव ठीक है ये सब बात जो होंगी वो एक सेवा भाव सेवा उद्देश्य के लिए को हम लेकर चलते हैं द मैनेजर एनजॉय द हायर स्टेटस इन द सोसाइटी इस तरह करके कर, एक मैनेजर जो है अपना स्टेटस जो है सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है ठीक है तो ये आज की वीडियो जो थी वो हमारे लिए Uh, किस पॉइंट की ली थी एज ए मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन ओके सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द लेवल एंड द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टिल देन हैव है नाइस डे